अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ट्रांसलूसेंट पाउडर क्या होता है एंड मैं किस कंपनी का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ उसका मैं आपको रिव्यू करना चाहती हूँ। तो वक्त ज़ाया करे बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। अच्छा जी, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर ट्रांसपेरेंट टेक्सचर पाउडर है और ये वाइट कलर में है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। यूजुअली जो फेस पाउडर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा टिंट इंक्लूड होता है, जैसे या पिंक टोन पे होते हैं या येलो टोन पे होते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक फेस पाउडर है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है, मैं दिखाती हूँ अपने हैंड पे, देख सकते हैं कि थोड़ा सा पिंक टेक्स्चर पे चला गया, पिंक हो गया इसका कलर। और अगर हम इसके बजाय लगाएँ, देखते हैं कि ये वाइट पे है। दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा साफ साफ। तो जो फेस पाउडर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा टिंट इंक्लूड होता है, तो इसलिए उनका कलर थोड़े से चेंज होते हैं। मगर ये जो ट्रांसलूसेंट पाउडर्स होते हैं इसके अंदर कोई भी टिंट मौजूद नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। और अगर आप इसकी डिटेल बैक पे भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी इसमें डिटेल मज़ीद लिखी भी होगी कि ये, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये मैट फिनिश होते हैं, मतलब आपके फेस को मैट टाइप लुक देंगे आपके फेस पे, जो फेस एकदम केकी टाइप का लगता है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपका फेस केकी नहीं लगेगा और अच्छा इफेक्ट आता है। मतलब आप आराम से अपने फाउंडेशन के बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, ठीक है जी, और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अब अपने हाथ पे। ब्लेंड कर लिया है इसको और अब मैं आपको इस पर ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये लिया ले लिया हमने और ये हम इस पर ऐसे हल्का हल्का सा अप्लाई कर देंगे। ये आप अपने कंसीलर के बाद अपने आईज कॉर्नर्स पे भी लगा सकते हैं, आईज के नीचे वाले हिस्से पे आप कंसीलर अप्लाई करते हैं उसके बाद आप लगा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है और फाउंडेशन पे लगाने के बाद भी अच्छा इफेक्ट आता है। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है आपके हाथ पर, आप देख सकते हैं थोड़ा, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और ये फेस पाउडर के मुकाबले में मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इसमें कोई टिंट मौजूद नहीं होता तो लाइट लुक आपका ज़रूर देगा, मगर जो कलर चेंज हो जाते हैं फेस पे, जैसे फेस पाउडर में कलर्स इंक्लूड होते हैं, कोई पिंक कलर के होते हैं, कोई येलो कलर के होते हैं, इसमें कोई कलर तो होता नहीं है। तो ये जब आप फेस पर लगाएंगे तो आपका फेस का कलर जो आपका है होगा ओरिजिनल, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, सेम कलर रहेगा, ब्राइट हो जाएगा, बस ये फ़र्क आएगा। ट्रांसलूसेंट पाउडर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑल स्किन टाइप में यूज़ हो सकता है, मतलब फेयर कॉम्प्लेक्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मीडियम वाले भी, थोड़े जिनका कलर डल है वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, मैं जो हूँ ये ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये मैं रिमिन लंडन ब्रांड का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये वाला और मैंने इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है और ये फेस पर जाने के बाद बहुत अच्छा लुक देता है। तो गाइस, मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।